ब्रिलियंट एडिफिकेशन में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे बायोलॉजी। 10th के बाद विद्यार्थियों का टारगेट होता है कि हम मेडिकल करेंगे। देखिए, मेडिकल करना एक आपके लिए एक तपस्या होता है, उसमें रेगुलर स्टडी, इसके साथ साथ में अच्छे आपको गाइडर होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। आज देखिए, पूरे वर्ल्ड में वही सफल होता है जो आपको सही समय पर सही रास्ता दिखाए। आपका क्या और किस समय किस तरह का आपको सिलेबस रिकवरी करना है, किस तरह पढ़ाई करनी है, ये सभी फैक्टर डिपेंड करता है कि टाइम को पकड़े और आगे बढ़ते चले जाएं। आपका फ्यूचर ब्राइटनेस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए है। हम लोग इसके पहले क्लास कर चुके हैं। हमारा आपका संपर्क ऑफलाइन में भी हुआ है और अच्छी तरह जानते भी हैं, आपने भी रिगार्ड दिया, हम भी आप लोगों को रिगार्ड देते रहे और यह देखते रहे कि कम समय में अधिक अचीवमेंट कैसे प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए वहां निशुल्क व्यवस्था भी किया गया, लेकिन यह भी बात सही है कि लॉकडाउन के कारण परेशानी बढ़ती चली गई और अंत में वह कोर्स को वहीं पर छोड़ा गया। लेकिन आप लोगों ने कुछ ही दिनों में अपना फ्यूचर का बेस स्ट्रॉन्ग करने का संकेत दे दिया। हम लोग भी देखें कि आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा तो कैसे होगा। तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका सबसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू विल हैव टू डू इट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। और हम बहुत सारे विद्यार्थियों को भी देख चुके हैं हम लोग का, क्योंकि हम लोग 1996 से इस काम को कर रहे हैं, 1996 से इस काम को कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपका भविष्य बनाने के लिए कौन आपके पीछे खड़े हैं और किस प्रकार आपको गाइडेंस कर रहे हैं, किस प्रकार आपको रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ता दिखाने वाले कैसे हैं, इस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपको रास्ता दिखाने वाले कैसे हैं। रास्ता दिखाने वाले अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य ब्राइटनेस होगा। आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, टारगेट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी वहां हमें मिले, जिससे यह भी पता चला कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा क्या है। अगर शायद वहां इस तरह का पैंडेमिक समस्या नहीं होता तो हम लोग ऑफलाइन वहां पर अभी आपके सामने फिजिकली अपीयरेंस होते। लेकिन यह भी एक हम लोग के सामने एक चुनौती आ चुका है, एक चुनौती हमारे सामने है। और ये चुनौती है तो लेकिन उसका सामना भी करने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है बहुत कम समय में। और पहले से भी क्लासेस चल रहे थे, अब भी क्लासेस आपको मिलते जाएंगे, लेकिन इतना दिमाग में रखना है आपको बेहतर ढंग से कि किस प्रकार हमको पढ़ाई करनी है।
आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। इसी के आधार पर हम लोगों ने ब्रिज कोर्स को लॉन्च कर दिया। ब्रिज कोर्स में आपको सीधा बेस और फिर 11 तो आपका चलेगा, इसमें बेस और 11 जो आपको सीधा आपको टारगेट तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगा। इसमें सबसे पहले बेस को हम देखेंगे, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी बायोलॉजी पढ़ने का तो ये मकसद है कि हम नीट करेंगे। बायोलॉजी का मतलब नीट होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट आप देने वाले हैं। इसके लिए आपकी तैयारी भी काफी अच्छी होनी चाहिए, और तैयारी के लिए सबसे जो प्राइमरी जो फेज होता है वो प्राइमरी फेज होता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा, बेस वीक रहेगा फ्यूचर वीक होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये दिमाग में रखते हैं कि इसी के लिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर, क्या ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स में आप लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसके द्वारा शुरुआत किया गया है क्या भाई, ब्रिज कोर्स। अब इसी कोर्स के द्वारा आप लोग क्या करेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फ्यूचर स्ट्रॉन्ग नेचुरली हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब दिमाग में ये रखते हैं कि बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को क्या तो सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी में हम लोग को करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल टर्म को पढ़ करेंगे और इसका मीनिंग क्या होता है मीनिंग को भी समझेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको हम बता रहे हैं बायोलॉजी में, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा कि हाँ भाई इसका मतलब क्या होता है। जब भी आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पढ़ें या अदर पब्लिकेशन का पढ़ें, उसमें आपको ये सभी टर्म आएंगे, और आएंगे तो अगर पहले से जाने हुए रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हमारी तैयारी काफी अच्छी हुई है। और वही विद्यार्थी आगे अब टारगेट को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो आप हम शुरुआत कर रहे हैं आपको इसमें टर्म और मीनिंग जरा समझेंगे इस बात को। आज से क्लासेस शुरू, पढ़ाई शुरू, क्योंकि ज्यादा समय आपको लेना नहीं चाहेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला आप लोग भी केयर करेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं चारों तरफ लिखते हैं MP। अब MP लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो MP जहां भी आपको शब्द दिखाई पड़े MP, तो MP का मतलब क्या होता है, ए बोथ होता है। अब बोथ का मतलब जानते हैं दोनों साइड होता है। जैसे आप लोग कहीं नाम सुने होंगे एम्फीबियस नाम सुने हैं, इससे आपको हम बताना चाहेंगे एम्फीबियस नाम जरूर सुने होंगे एम्फीबियस। जैसे आप लोग कहते हैं जैसे फ्रॉग इज एम्फीबियस एनिमल आप कहते हैं, तो सीधा सा बात इसमें दो टर्म आया है। अब दो इसमें वर्ड है एम्फी और बायोस, समझेंगे थोड़ा सा। तो एम्फी जहां लगा हुआ रहे तो एम्फी का मतलब क्या हुआ, एम्फी का मतलब आप समझें बोथ हो गया, ठीक है भाई। तो एम्फी का मतलब बोथ हो गया, और ये बायोस का मतलब क्या हुआ भाई, तो बायोस का मतलब लाइफ हो गया, लाइफ हो गया। मतलब यह दोनों कंडीशंस में अपने 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 लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, अपने लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए अडेप्टेड है यह, उस एनिमल को एम्फीबियस कहते हैं आप लोग। देखिए एम्फी का मतलब क्या होता है, ए बोथ। बोथ का मतलब आप ऐसे भी यहां पर देख सकते हैं, ए वाटर और लैंड। तो वाटर और लैंड दोनों में यह लाइफ है यह एनिमल्स है, वह अडेप्टेड है, तो इसको एम्फीबियस कहते हैं। देखिए एम्फीबियस दो टर्म से बना है, द टर्म एम्फीबियस इज इनकॉर्पोरेट्स ऑफ टू वर्ड, दो शब्द से बना है एम्फीबियस। फर्स्ट वन इज एम्फी और सेकेंड वन इज बायोस। एम्फी दैट मीन्स बोथ, बायोस दैट मीन्स लाइफ, एम्फी दैट मीन्स बोथ वाटर एंड लैंड। तो वाटर एंड लैंड ए बोथ हो गया,
तो यहाँ पर दोनों में यह जीव रहने के लिए एडेप्टेड होता है, इसको एम्फीबियस कहते हैं। जैसे फ्रॉग आप लोग एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो जहां भी एम्फी जुड़ा हुआ रहेगा बोथ कह देंगे, ठीक है। और जहां भी एक बायोस भी आ गया यहां पर, जहां भी बायोस जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको आप क्या कहेंगे, लाइफ कह देंगे। तो यहां से दो शब्द हमको समझ में आ गया कि भैया जहां एम्फी लिखा हुआ रहेगा कह देंगे बोथ, और जहां बायोस है वहां समझेंगे लाइफ, ठीक है। अब थोड़ा सा ये दिमाग में हम लोग रखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अब यहाँ पर एक बायोलॉजी ही अगर कहते हैं तो बायोलॉजी आप कहते हैं तो बायोलॉजी इज इनकॉर्पोरेट्स ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ठीक है। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है, बायोलॉजी इज इनकॉर्पोरेट्स ऑफ टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट वन इज कहते हैं बायोस कहते हैं, दूसरा लोगोस कहते हैं। ध्यान देते हैं बायोस यहां पर भी है और बायोस यहां पर भी आ गया, ठीक है ना। तो जैसे ही बायोस आता है यहां पर, बायोस का मतलब क्या हो गया, लाइफ, और लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। बायोस और लाइफ हो गया यहां पर। तो देखते हैं यहां पर ये भी हो गया, बायोलॉजी में भी ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बायोस हो गया, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि एम्फी हो गया, अगर कहीं जुड़ा हुआ रहता है आर्की आप कहते हैं, ए आर सी एच ए आर्की। अब आर्की का मतलब क्या हुआ, आर्की बहुत जगह आप देखे होंगे टर्म जुड़ा हुआ ए आर्की, तो आर्की का मतलब क्या होता है भाई, तो आर्की, आर्की जहां जुड़ा हुआ रहता है तो आर्की का मतलब होता है एंशियंट, आर्की का मतलब एंशियंट होता है, और एंशियंट आर्की जहां जुड़ा हुआ रहे आर्की का मतलब एंशियंट। तो ये पकड़ लेंगे कि जहां आर्की जुड़ा हुआ है सर उसको हम क्या कह सकते हैं, तो आप कहेगा सर आर्की दैट मीन्स एंशियंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एम्फी बोथ बायोस लाइफ आर्की एंशियंट, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर आर्की बैक्टीरिया आपको पढ़ने के लिए कोई कहेगा कि आर्की बैक्टीरिया एक क्या बैक्टीरिया होता है, जरा सब समझाएं, तो आर्की का मतलब हो गया एंशियंट, मतलब एंशियंट बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया फर्स्ट ऑरिजिन जिस बैक्टीरिया का हुआ, फर्स्ट ऑरिजिन बैक्टीरिया जो हुआ ये पूरा का पूरा पृथ्वी पर, उसको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो आर्की बैक्टीरिया अगर कहीं आर्कियोलॉजी कहते हैं हम लोग, तो आर्कियोलॉजी का मतलब एंशियंट मैटर, एंशियंट जो है वह वस्तु के बारे में, वहां कोई लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग, तो ये होगा आर्कियोलॉजी, ठीक है। तो ये आर्की मतलब एंशियंट पकड़ना होगा आपको, जैसे आपको पकड़े ही बताए आपको आर्की बैक्टीरिया। आप देखिए यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया कोई लिख दिया, आर्की बैक्टीरिया लिख दिया, ठीक है। और कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ता है यू बैक्टीरिया, देखिएगा कहीं कहीं यू बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये जान गए हैं कि आर्की का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो हम जाने अभी जस्ट पढ़े हैं, याद है आर्की का मतलब एंशियंट होता है, आर्की का मतलब एंशियंट होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखें, आर्की का मतलब हो गया एंशियंट हो गया यहां पर, ये बैक्टीरिया भी दिमाग में आप रखेंगे, बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है। प्रोकैरियोट्स भी शब्द आएगा, अब प्रोकैरियोट्स ये भी शब्द आएगा, तो इसको भी जानना है हम लोग को अच्छी तरह से। तो ये दिमाग में आपको रखना है इस चीज को कि कब क्या पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अब ध्यान दिमाग में ये रखते हैं, ये तो एम्फी मतलब बोथ, बायोस मतलब लार, आर्की मतलब एंशियंट हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पर यू तो लिखे और यू का मतलब क्या होता है सर, ये भी जरा बता दीजिए, बैक्टीरिया तो जान गए, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या,
लेकिन यू जो आप लिखे सर, यू का मतलब क्या है? आप कहेंगे कि सर यू का मतलब ट्रू होता है। जहां भी आप यू देखे लगा हुआ, यू का मतलब होता है ट्रू। एक ट्रू बैक्टीरिया है, ये एंशियंट बैक्टीरिया है, ठीक है। फर्स्ट ओरिजिन बैक्टीरिया इज कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। आफ्टर दैट बैक्टीरिया ओरिजिनेट्स इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया है यहां पर। अब आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल मिथानोजेन, मिथानोकोकस हो गया, ये सभी पढ़ेंगे आगे जब पढ़ेंगे हम लोग। हेलोफाइलस बैक्टीरिया हो गया, ये सभी पढ़ेंगे। और यू बैक्टीरिया में जो आज का बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं वो सभी बैक्टीरिया है, लगभग यू बैक्टीरिया है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो सही, करते चले जाएंगे, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाते चले जाएंगे। जैसे ही समझ में आए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाते चले जाएंगे, तब भी रहेगा कि हाँ भाई सर भी समझ रहे हैं कि आप एक्टिव हैं और आप भी समझ रहे हैं कि सर एक्टिव हैं। दोनों एक्टिव एक्टिव मिल गए हैं तो निश्चित तौर पर ये तो सफलता मिलना ही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। क्लासेस का सूचना मिलता चल जाएगा, उसमें क्लासेस का सूचना मिलता है और रेगुलर क्लास चलता है उसका, उसका ग्रुप आप जाएं और ग्रुप पर आपको सूचना मिल जाएगा उसका, ठीक है। चलिए तो हमने क्या बताया इसमें? ज्यादा कुछ नहीं बताया है क्योंकि आपका बेस क्लास है। बेस में आप जो है 10 शब्द जान जाए तो आपको लगेगा कि ये सभी शब्द हमेशा यूज होते हैं, बायोलॉजिकल टर्म है और ये सभी यूज होते हैं, तो हम भी यह जान गए हैं। थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं एक बार फिर से। टर्म है, मीनिंग है, एमपी मतलब बोथ, बायोस लाइफ, एम्फीबियस इसी से बना है, एमपी और बायोस से, ठीक है ना, एमपी और बायोस से बना है। इसके बाद में आगे ध्यान देते हैं, आर्की मतलब एंशियंट, आर्की मतलब एंशियंट हो गया, यू मतलब ट्रू हो गया, यू मतलब ट्रू, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यू हो गया, ये यू मतलब ट्रू हो गया, ट्रू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया नाम दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे ध्यान देते हैं, यहां पर यू हो गया, यू के बाद में आगे ध्यान देते हैं, एंटी है और एंटी, एंटी मतलब क्या होगा? एंटी मतलब आप कहते हैं सर, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है। और अगेंस्ट का मतलब भी आप जानते होंगे सर, एंटी मतलब क्या? अगेंस्ट होता है। अब एंटी, एंटी का मतलब आप अगेंस्ट जानते हैं तो एंटी का भी उपयोग बहुत जगह होता है इसमें, ठीक है ना। एंटीबायोटिक आप कहते हैं तो एंटीबायोटिक नाम देते हैं, तो वो एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक बायो से बना है, वो ऐसा लाइफ जो किसी के एंटी में काम करता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है। किसी लाइफ के एंटी में काम करने वाला, उसके विरोध में काम करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक दवा भी आ चुका है, तो एंटी और बायोटिक बना है, बायोस से बना है, ठीक है ना। तो किसी बायोस के एंटी में काम करना एंटीबायोटिक होता है, और एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होते हैं वो बैक्टीरिया को या तो वहां इनएक्टिव कर देते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक जो होते हैं, दवा उपयोग किया जाता है, वो बैक्टीरिया को इनएक्टिव या इनएक्टिव करते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। कितना समझ में आपको आ गया होगा जो हमने बताया है इसमें, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट कॉल एमपी हो गया, बोथ बायोस हो गया यहां पर, है ना। बायोस कहीं कहीं आपको बी आई ओ एस भी लिखा हुआ रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आर्की मतलब एंशियंट लिखा हुआ रहेगा, यू मतलब ट्रू लिखा हुआ रहेगा, और एंटी मतलब अगेंस्ट आपको पढ़ना है, इतना दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है ना। अब कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा आर्बर लिखा हुआ रहेगा। अब आर्बर का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर आर्बर मतलब क्या होता है, जरा इसको भी बता दीजिए।
तो आर्बर जहां दिया हुआ रहेगा, आर्बर मीन्स होता है ट्री, आर्बर मीन्स ट्री होता है। जैसे आप कहते हैं मंकी इज आर्बोरियल एनिमल, अब आपने कहा मंकी इज आर्बोरियल एनिमल कहा, तो आपके दिमाग में जरूर ये आ गया होगा कि मंकी जो है वह वृक्ष पर मतलब ये प्लांट पर रहने वाला यह एनिमल है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर्बोर, आर्बोर से बना है, आर्बर का मतलब ट्री होता है, आर्बर का मतलब ट्री होता है, ये हमने जाना है। जहां भी देखेंगे आप आर्बर वहां पर ट्री मार देंगे। जैसे आपने कहा सर एक एग्जांपल के तौर पर किया, तो सीधा आपने कहा कि मंकी अगर दिया हुआ रहेगा कि मंकी इज कैसा एनिमल है, तो मंकी इज कर देंगे आर्बोरियल एनिमल, कहेंगे इसमें आर्बोरियल एनिमल कर देंगे। आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि मंकी अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है किस पर, प्लांट पर करता है, That's why it is said to be arboreal animal. इसलिए इसको हम लोग arboreal animal कहते हैं। तो ये सभी टर्म जो है आपको पकड़ में आना है, आपके मस्तिष्क में रखना है कि सर arboreal that means tree। अब दिमाग में आ जाएगा एमपी बोथ बायोस लाइफ आर्की एंशियंट यू ट्रू एंटी अगेंस्ट आर्बर ट्री। ठीक है, अब ध्यान देते हैं अगर एरोबिक कहीं दे दिया ऐसा है यहाँ पर टर्म ए ई आर ओ बी आई सी, अगर एरोबिक दे दिया ऐसा है यहाँ पर, एरोबिक का मतलब क्या होता है, अब एरोबिक का मतलब क्या होता है, जा सेंड कर सकते हैं हम जान सकते हैं भाई। चलिए फिर से मैं बता दूंगा, पहले अभी मैट्रिक, मैट्रिक के बाद में आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, भविष्य में आप जो है आप स्ट्रॉन्ग हो गए, बी स्ट्रॉन्ग, आपका पेशेंस नहीं होना है, सब कुछ समझ में आएगा, पहले तो जानो पहचानो समझो अपनाओ तब आगे बढ़ाओ। अब ध्यान देते हैं कहीं भी, जैसे एमपी है, अब एमपी मतलब बोथ, बोथ का मतलब हो गया दोनों, दोनों तरफ, बोथ का मतलब क्या हो गया दोनों तरफ, आप कहते हैं सर ये बोथ लगा हुआ है, एमपी मतलब बोथ, जैसे मैंने जोड़ा यहां पर कि जैसे एम्फीबियस कहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप क्या कहेगा, एम्फीबियस, एम्फीबियस जैसे फ्रॉग इज एम्फीबियस एनिमल, तो एम्फीबियस में दिक्कत हो रहा है सर, तो आप कहेंगे सर ये दो टर्म से बना है एम्फी और बायोस से, तो एम्फी मतलब हो गया बोथ हो गया और बायोस मतलब लाइफ हो गया, कोई जीव है जो एम्फी से संबंधित है, और एम्फी बोथ का मतलब हो गया या तो यहाँ पर वाटर या तो लैंड, दोनों में, बोथ का मतलब दोनों, वाटर और लैंड में रहने के लिए एडेप्टेड होता है, अनुकूलित होता है। आप कहेंगे सर कौन, फ्रॉग, द फ्रॉग इज एम्फीबिया, एम्फीबियन या एम्फीबियस एनिमल कहेंगे आप, अब तो समझ में आया इतना, अब तो समझ में आया, अरे पहले बात को समझ लो, तीन चार पांच सेंटेंस ही पकड़ो, लेकिन ऐसा पकड़ लो कि दुनिया में कभी हमको दिक्कत नहीं हो, हम किसी को पढ़ा दें उसको, अपने ही क्लास के स्टूडेंट को बुला करके उसको पढ़ा दें, बैठ के पढ़ो, ये सब तुम नहीं पढ़ा होगा, और ये सब नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बेस है, और बेस स्ट्रॉन्ग देन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग, बेस बिग फ्यूचर बिग, और इतना बस कॉन्सेप्ट दिमाग में ही रखना है, ज्यादा आपको नहीं जाना है, सीधा ये दिमाग में रखना है बेस स्ट्रॉन्ग देन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग, बेस बिग फ्यूचर वीक, दैट्स व्हाई We should try to maintain basic concept. इतना दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, तो इतना तो समझ रहे हैं हम लोग बात को। अब ध्यान देते हैं, ये तो हो गया यहां पर, ये तो समझ में आ रहा होगा, आप भी सेंड कर रहे हैं,
चलिए तो ये हो गया यहाँ पर वाटर एलैन हो गया, ओके बायोस मींस लाइव हो गया, समझे बात को यहाँ पर, इसलिए आपको एक एक स्टेप समझा रहे हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, पहले तो थोड़ा सा बेसिक, ये भी तो अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में आप क्लासेस करें, पहले क्लास है आज है। इसके बाद जैसे जैसे क्लास आपके बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी आपका जो मेंटलिटी पावर इंक्रीज होता चला जा रहा है। पहले पहले 5-10 टर्म को समझते थे, आपको लगा कि बाद में अब 20 टर्म को भी याद करना आसान हो गया, फिर 20 के बाद में 50 बायोलॉजिकल टर्म आएगा, ये बायोलॉजिकल टर्म का पकड़ आपका मजबूत हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जब बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सभी जानते हैं हम, सिर्फ उसका प्रोसेस के बारे में, एनाटोमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, टैक्सोनॉमी स्थिति के बारे में आप जानेंगे और आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। चलिए अब ध्यान देते हैं यहां पर, एरोबिक मतलब डेट मीन्स क्या होता है, एरोबिक मतलब एयर होता है सीधा, एरोबिक दैट मीन्स एयर। अब एयर है भाई तो एयर में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, सभी है एरोबिक। अब एरोबिक में आपका एयर रखना है यहां पर और एयर रखना है, इसमें एरोबिक में एयर रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एरोबिक में एयर में आपने पढ़ा होगा कि इसमें O2 को मैंने जुड़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा था, इस बात को मैंने पढ़ाया था, आपको याद भी आ रहा होगा, कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर वो कौन दे रहे हैं, सौरभ गुप्ता, वो आपका फिटे का जो है वहां पर पथक जो है वो भी सही जवाब दे रहे हैं, और सभी विद्यार्थी जो है उनका सही जवाब बिल्कुल आपको आया हुआ, ठीक है। चलिए तो ये भी है एरोबिक, तो ये सभी टर्म आपको उस समय भी हमने बताया था, ये हमेशा काम आपको देगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने जाना इस चीज को यहां तक, हम बाद में पूछेंगे भी, टेस्ट भी आज लेंगे, क्लास के एंडिंग टाइम में आपका टेस्ट भी होगा, इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। चलिए तो ये होगा एमपी बोथ बायोस लाइफ आर्की एंशियंट यू ट्रू और एंटी अगेंस्ट आर्बर ट्री एरोबिक एयर, अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो कहना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर यहां तक पहुंच गए हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं ये जो है एकॉस्टिक होता है, एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, कहीं कि आप पढ़े होंगे एकॉस्टिक के बारे में देखे होंगे, तब ठीक है कमेंट आपका समझ रहे हैं हम लोग, एकॉस्टिक का मतलब क्या होगा यहां पर वो बताएंगे, एकॉस्टिक का मतलब आप समझेंगे साउंड होता है, एकॉस्टिक जहां जुड़ा हुआ रहे उसको साउंड कर देंगे। अब एकॉस्टिक्स आप लोग पढ़े होंगे, एकॉस्टिक साउंड, अब साउंड क्या है, तो साउंड हम लोग में भी यहाँ पर ऑडिटरी जो है ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ऑडिटरी भी या एकॉस्टिक के बारे में, तो ऑडिटरी का संबंध किस से, देखिए ऑडिटरी आ गया, ऑडिटरी का मतलब क्या होना, तो इसका मतलब होता है हियर से संबंधित ऑडिटरी ऑर्गन कहते हैं, एकॉस्टिक मतलब साउंड। अब साउंड कितना डेसिबल में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना डेसिबल में आप साउंड एकॉस्टिक को आप रिसीव कर रहे हैं, हैं? वो जो है एकॉस्टिक। अब कहेगा कि ईयर का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे ईयर का संबंध जो है वो साउंड को रिसीव करने से है, ठीक है ना, साउंड को रिसीव करने से है, या हियर से सुनने से किसी बात को सुनते हैं हम, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया एकॉस्टिक, दैट मीन साउंड दिमाग में रखना है, ऑडिटरी मतलब आपका हियर रखना है, जैसे आप कह सकते हैं कि ईयर इज ए ऑडिटरी ऑर्गन, ईयर जो कान होता है ऑडिटरी ऑर्गन होता है। अब कहीं ऑडिटरी ऑर्गन कह देगा कि ऑडिटरी ऑर्गन
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी ऑर्गेन, तो आप कहेंगे वो ऑडिटरी ऑर्गेन कह रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि वो ईयर, क्योंकि ऑडिटरी का मतलब हियर से संबंधित होता है, किसी बात को सुनने से संबंधित होता है, तो आप कह देंगे ईयर इज एन ऑडिटरी ऑर्गेन। ठीक है, ये तो दिमाग में रखना होगा आपको। चलिए, एकॉस्टिक भी हो गया, ऑडिटरी भी हो गया, समझते जा रहे हैं, कुछ टॉपिक भी आपका बढ़ता चला जा रहा है इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, अब कहीं कहीं आपको जोड़ता है कि ऑटो जोड़ दिया, ऑटो का मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे सर सेल्फ हो गया। अब ऑटो का मतलब यहाँ क्या होगा, सेल्फ तो होगा, ये ऑटो जोड़ दिया तो ऑटो का मतलब यहाँ पर इस सेल्फ हो जाएगा। आप कहते हैं बहुत जगह आप भी पढ़े होंगे ऑटो का जगह पर भी हेट्रो हो गया, हेट्रो, और हेट्रो मतलब यह डिफरेंट हो गया। आपको पहले भी मैंने बताया था इसमें, और एक ट्रॉफिक बताएंगे तब एक शब्द आपको बन जाएगा, और ट्रॉफिक का मतलब आप जानते होंगे कि सर ने बताया था न्यूट्रिशन। ठीक है, थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप जो है समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर देखिए कुछ जो शब्द आपको मैं बताया है इसमें, देखिए यहां पर ये ऑटो, हेट्रो और ट्रॉफिक, तीन जो शब्द लिखा इसमें, ये तीनों शब्द का मतलब आपको समझना है पहले। अब देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कहीं कोई पूछ देता है कि जरा बताइए भैया इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक को ही दे देगा, तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप जरा बताइए क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक, तो जहां ऑटो दिया हुआ है तो ऑटो मींस क्या होता है इसको लिखना होगा हम लोग को। तो ऑटो दिया हुआ है तो ऑटो मींस क्या हुआ भाई, सेल्फ, सेल्फ हुआ, तो ऑटो का मतलब हम जानते हैं कि सेल्फ होता है, है? और यहां पर ट्रॉफिक दैट मींस न्यूट्रिशन, ये तो आपको पहले भी बताए हैं जिसमें हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, उसको भी यहां रखे हैं, रखना ही पड़ेगा, चूंकि आप लोग ये नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते, तो टेक्निक समझिए। तो ये ऑटो मतलब ये सेल्फ हो गया आपने कहा, और ट्रॉफिक मतलब दो टर्म से बना है ऑटो ट्रॉफिक, एक ट्रॉफिक दैट मींस हो गया ये न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हो गया, तो सेल्फ न्यूट्रिशन हो गया। जैसे ये प्लांट्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटो ट्रॉफिक्स आप कहते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटो ट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे ही इसमें ऑटो हटा करके इसमें डाल देगा हेट्रो, अब देखिए ऑटो हटा करके इसमें डाल दिया हेट्रो, हेट्रो डाला कुछ नहीं, न्यूट्रिशन और ट्रॉफिक वही है, और ट्रॉफिक वही है भाई, ये ऑटो हटा करके हेट्रो डाल दिया है इसमें, तो ध्यान देते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इस सेल्फ के स्थान पर ये चेंजिंग लाएंगे और यहाँ पर हेट्रो दैट मींस यहाँ पर मार देंगे सर, यहाँ पर तो यह डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ऑटो से डिफरेंट न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स पर जो डिपेंड होते हैं एनिमल्स, उसको हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी दिमाग में आपको रखना होगा, यू विल हैव टू माइंड इट ऑलवेज। अब इसके बाद ये जो टर्म आया आपको यहाँ पर, एक बार हम इसको रिकॉल करना चाहते हैं और आप जो है जवाब भी देंगे इस चीज को, कितना हमने पढ़ा यहाँ पर, एमपी, एमपी दैट मींस बोथ, समझेंगे एमपी बोथ, बायोस लाइफ आरके एंशियंट यू ट्रू एंटी अगेंस्ट आर्बर ट्री एरोबिक एयर। ठीक है, एकॉस्टिक साउंड ऑडिटरी हियर ऑटो सेल्फ हेट्रो डिफरेंट ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इतना जानकारी हम लोग को प्राप्त हुआ इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आगे यहां पर देखते हैं और सभी भी शब्द है यहां पर, तो इतना आपको है, ये आपका YouTube पर रहेगा, अभी ब्लॉक हम नहीं करेंगे इस चीज को, YouTube पर रहेगा, जब भी चाहेंगे तो आप ब्रिलियंट एडुकेशन पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग इसको ब्रेक नहीं करेंगे, मतलब इसको हम रोकेंगे नहीं,
ये आपको कंटिन्यू मिलेगा। आपको इस वीडियो को जो अभी आप लाइव क्लास कर रहे हैं, ये वीडियो आपको रहेगा इस चैनल पर, ब्रिलियंट एजुकेशन चैनल पर ये रहेगा, इसको हम अभी ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। अभी पढ़िए आप लोग, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अंत में हम पूछेंगे, इसलिए आपको रिपीट भी कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम लोग हटाते हैं, इसके बाद में आगे ध्यान देते हैं, कुछ और भी टर्म है उसको हम बताएंगे, याद करवाएंगे, आप याद भी करेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते, कहीं भी अगर दे दिया भैया एमाइल दे दिया, आप देखिए एमाइल दे दिया। अब एमाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप कहेंगे सर एमाइल का मतलब, ये तो एमाइल पहली बार सुने हैं। एमाइल का मतलब यदि आप जानते हैं तो सेंड कर दें, सेंड कर सकते हैं आंसर। एमाइल्स का मतलब क्या होता है, एमाइल, और इस चीज को मैं बताया है, हमने बताया है आपको ऑफलाइन क्लासेस में एमाइल मीन्स क्या होता है, ये बताए भी हैं। यदि आपके दिमाग में होगा तो सही आंसर आएगा, आप सेंड कीजिए, ईमेल मिस क्या होगा, जल्दी सेंड कीजिए, आपका आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए आपने सेंड किया है, नहीं पता है सर, अरे इन द सेंस ऑफ बीइंग, अच्छा ओके, डाइजेशन मी हेल्प, और ठीक है। अब कुछ कुछ पकड़ रहे हैं आप लोग, कुछ तो पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो पकड़ रहे हैं। चलिए एमाइल मींस होता है स्टार्च, अब देखिए एमाइल्स मींस होता है स्टार्च होता है, एमाइल जहां लगा हुआ रहेगा ना, एमाइल मींस स्टार्च कर देंगे, ठीक है ना। दैट मींस अगर कहीं आपको देखने को मिलता है कि सर अगर दे दिया यहां पर एमाइलेज दे दिया, एमाइलेज दे दिया, तो आप कहेंगे कि सर ए एस ई लगा हुआ है, आपको पहले ही बताए थे कि ए एस ई लगा हुआ रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एंजाइम, एमाइलेज लाइपेज। देखिए लाइज जैसे करते हैं, बहुत सारे में ए एस ई लगा हुआ रहेगा, इसमें भी लाइपेज एंजाइम लगा हुआ है। अगर हम लोग कहते हैं माल्टेज तो इसमें भी ए एस ई लगा हुआ है। अगर हम लोग कहते हैं लैक्टेज तो इसमें भी ए एस ई लगा हुआ है, है? तो एमाइलेज लाइपेज माल्टेज लैक्टेज प्रोटीएज। अब देखिए ए प्रोटीएज लगा हुआ, इसमें भी ए एस ई, सब में ए एस ई लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये तो एंजाइम है, और बिल्कुल सही बात है, ये तो एंजाइम है, एंजाइम है। एंजाइम क्या करेगा, वो फूड को वहां पर क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। एंजाइम का वर्क क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को ब्रेक करना, फूड को ब्रेक कर देगा, और उसका जो भी आपका मतलब न्यूट्रिएंट रहेगा उसको अलग कर देगा, फूड को वह डाइजेस्ट करता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट होता है उसको अलग करता है। अब दिमाग में ये रखना है आपको, चलिए अब दिमाग में ये रखना है, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, प्रोटीएज होगा, ठीक है। अब ये समझना है एमाइलेज एंजाइम, अब ये एमाइलेज एंजाइम एमाइल को डाइजेस्ट करेगा, एमाइलेज एंजाइम एमाइल को डाइजेस्ट करेगा, दैट मींस एमाइल का मतलब हो गया स्टार्च, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट द क्या, स्टार्च, स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है।
तो यहां पर देखते हैं कि ये तो हम लोग का डाइजेशन में पार्शियली डाइजेशन होता है और ये चेंज हो जाता है माल्टोस में, आपको मैंने बताया था। इसकी बात थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं, एमाइलेज एंजाइम हो गया, सब में एएसई लगा हुआ है। आप कहेंगे सर एमाइलेज लाइपेज माल्टोज लैक्टेज प्रोटीज। अब जो है लाइपेज जो किसको करेगा भाई, तो फैट, क्योंकि यहां पर जैसे ही लाइपेज है यहां पर, तो लाइपेज का मतलब लाइपेज से बना है, यहां पर लिपिड से बना है, और इसका मतलब ये फैट होता है। एमाइल मिस होता है स्टार्च, तो स्टार्च को डाइजेशन करने वाले को एमाइलेज कहते हैं। ये भी दिमाग में रखना है, और एमाइल का मतलब स्टार्च होता है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। आगे ध्यान देते हैं, आता है एक्वेटिक, आता है एक्वेटिक मतलब क्या होता है, आप जानते हैं वाटर होता है एक्वेटिक। अब कहते हैं फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, तो एक्वेटिक का मतलब होता है क्या भाई, वाटर। वाटर। और एक चीज और आप देखते हैं कि जैसे ही आप जोड़ते हैं हाइड्रो जोड़ देते हैं, जैसे ही आप फायर जोड़ते हैं भैया, तो आप कहते हैं कि एक्वेटिक का मतलब भी वाटर होता है और हाइड्रो का मतलब भी ये वाटर होता है, दोनों का मतलब वाटर होता है। और जहां जहां जुड़ जाएगा फायर इसका मतलब होता है, आप कहेंगे सर ये तो प्लांट्स होता है, जहां भी फायर्स जुड़ेगा ना उसको प्लांट्स कहना है, फायर्स मतलब प्लांट्स कहना है, ध्यान देना है आपको। अब जहां भी जुड़ेगा यहां पर अगर जीरो दे देगा तो कहेंगे सर आप जो जीरो लिखे इसका मतलब ड्राई लैंड होता है, सर ड्राई लैंड होता है, जीरो मतलब ड्राई लैंड होता है। आप कहेंगे सर थोड़ा सा और इसको हमको बता दीजिए विशेष रूप से, तो देख लो भाई यहां पर आपको ये समझना है, यहां पर जैसे इसको तो बता दें एक्वेटिक भी हो गया आपका, फिश एक्वेटिक एनिमल है ये तो जानते हैं, इसके बाद में हाइड्रो हाइड्रोफाइट्स हो गया, जीरोफाइट्स हो गया। ए भाई अगर कहीं दिया हुआ रहेगा आपको कि सर ये हाइड्रोफाइट्स कहीं दिया हुआ रहे तो आप क्या इसका मतलब निकालेंगे, ऑल दोज प्लांट्स which are adapted in aquatic environment। अब जो जल में रहने के लिए adapted होता है, water में रहने के लिए जो adapted होता है अपने आप को adapt कर लेता है, तो इसमें एक फायर्स जुड़ा हुआ है भैया, तो फायर्स का मतलब प्लांट होता है। अब तो यहां पर देखो देखो यहां पर हाइड्रो है, ये हाइड्रो है, हाइड्रो मीन्स क्या हुआ वाटर आप कहेंगे, और जहां जुड़ जाए फाइट कहेंगे प्लांट, दैट मीन्स जो है वैसा प्लांट जो वाटर में डेवलप होता है, वैसा प्लांट जो वाटर में डेवलप होता है, वैसा प्लांट जो वाटर में ग्रो करने के लिए एडेप्टेड होता है, ए प्लांट को हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट। जैसे आप लोग एग्जांपल में आयरकोनिया सुने होंगे, इसमें आयरकोनिया नाम सुने होंगे, ठीक है, हाइड्रिला नाम सुने होंगे, हाइड्रिला हो गया, आयरकोनिया हो गया, इसमें ये सभी एग्जांपल है, हाइड्रिला हो गया, आयरकोनिया हो गया। तो हाइड्रिला कैसा पौधा है, तो आप कहेंगे हाइड्रोफाइट है, हाइड्रिला हाइड्रोफाइट, वाटर हाइसिंथ हाइड्रोफायर, बैलिस्नेरिया हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, कारा हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। अगर कहीं यहां पर तो हाइड्रोफाइट जुड़ गया, अगर यहां पर देख ले भाई ये जीरो फाइट्स है, तो यहां पर अगर जीरो फाइट्स लिखा हुआ है तो जीरो फाइट्स को भी आप कहेंगे सर इसको भी तो बता ही देंगे हम, तो बताइए आप इसको बताइए, जीरो फाइट को बताइए, आप जानना चाहते हैं क्या होगा से। ए भाई जीरो मतलब क्या होता है, जीरो मतलब होता है कहेंगे सर ये ड्राई लैंड हम जानते हैं,
जीरो मतलब ड्राई लैंड, फाइव्स मतलब दैट मींस ये प्लांट सभी जानते हैं, दोनों जानते हैं, मतलब वैसा प्लांट जो ड्राई लैंड में डेवलप होता है और उस तरह के प्लांट्स को हम लोग जीरो फाइट्स कहते हैं। एक दिमाग में आपको रखना है, सभी आपका पीडीएफ या असाइनमेंट मिलेगा, वो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इंजॉय कीजिए, पढ़िए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तब तो वहां से आप सेंड कर ही देते हैं कि सर समझ में नहीं आया। अगर उस चीज को समझ में नहीं आएगा तो दोबारा हम यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। आपको तो नीट क्वालिफाई करना है, इसके लिए आपके रास्ता में अगर जो है कोई समस्या है तो समाधान तो हम लोग मिलके करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना है, आपको जाना पड़ता है कोचिंग साइकिल से, कोचिंग जाते हैं, बीच में अगर कहीं रुकावट आता है तो कोई दूसरा रास्ता अपना कर पहुंच ही जाते हैं, कहीं जाम लगा हुआ रहता है दूसरा रास्ता से पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत परेशानी होती है, लेकिन परेशानी से हारना नहीं है, ये दिमाग में रखना है। चलिए अब ध्यान देते हैं ड्राई लैंड में, जैसे आप कहते हैं क्या भाई, ओपनसिया कहते हैं, नागफनी का नाम सुने होंगे, नागफनी का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, तो नागफनी हो गया, ओपनसिया हो गया, कैक्टस हो गया, कैक्टस हो गया, ओपनसिया हो गया, नीरियम हो गया, आप बबूल कहते हैं तो बबूल भी जीरो फाइट्स ही है, आप घास कहते हैं, ग्रासेस कहते हैं, वो भी जीरो फाइट्स में रखा गया, बबूल भी जीरो फाइट्स में रखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो सभी का सभी जीरो फाइट्स में है, जो वाटर डेफिशिएंट में डेवलप होगा, क्योंकि ड्राई लैंड ना है, ड्राई लैंड में तो वाटर डेफिशिएंट में डेवलप कर रहा है इसमें। चलिए अब थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं, एमाइल मिस स्टार्च हो गया, एक्वेटिक मिस वाटर, हाइड्रो मिस वाटर, और फाइव मिस प्लांट, जीरो मिस ड्राई लैंड, एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया। तो इस प्रकार आज जो है स्टार्टिंग था, तो ज्यादा नहीं हम बताएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग है तो इतना ही, और बार बार वीडियो इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब का मतलब है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आए का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कल जब क्लासेस करेंगे हम लोग, तो कल क्लासेस जो है एक बार लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे, अंगूठा, अंगूठा आप जानते हैं ना, दिया हुआ आपके मोबाइल में है, हम लोग तो बाद में जाने, आप लोग पहले जानेंगे कि अंगूठा का मतलब क्या होता है, मोबाइल में अंगूठा का जो सिंबल होता है उसको देने का मतलब क्या होता है। चलिए तो आप जो एक बार लाइक सब्सक्राइब और जो है आपका बटन दबा देंगे, जिससे आए का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे, ठीक है ना, आप भी बढ़िए और उनको बढ़ने दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि हाँ क्लासेस शुरू हो चुका है, और उस ग्रुप में आप विशेष जुड़ जाइए जिस ग्रुप से सूचना आपको मिलता है, ठीक है। चलिए आपका जो है कल का क्लासेस के बारे में आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि कल का 3 बजे से क्लास जो है आपका, कल जो होगा, कल तारीख कितना हो गया भाई, तो कल 16 तारीख हो गया आपका, कल का आपका जो है सूचना आपको देना चाहेंगे कल के बारे में, कल जो है 16 मई हो गया, ठीक है ना, 16 मई का आपका कल, टुमोरो का, कल का, कल का जो सूचना है आने वाला कल, ये कल जो होगा वह 3 PM से आपका केमिस्ट्री क्लास चलेगा डॉक्टर अफरोज सर के द्वारा, ये पढ़ाएंगे कल का, कल का आपका डेली आपका रूटीन मिल रहा है, तो कल का आपका आपका रूटीन मिल गया, कल का आपका क्लासेस होगा और 3 बजे से केमिस्ट्री क्लास अफरोज कर लेंगे, ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद, आई विश यू गुड लक, बहुत बहुत आपको ये जो है बधाई देना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि आप जो है इस पैंडेमिक में भी आप इतनी अच्छी तरह जो है पढ़ाई करने के लिए आप जो है राजी हो चुके हैं, एग्री हो चुके हैं, माइंड को सेटअप कर चुके हैं कि हमको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो आंधी आए, तूफान आए, पैंडेमिक आए, और सब तो समस्या ही है, और समस्या से लड़ना, समस्या का सामना करना ही एक योद्धा का काम होता है, एक वॉरियर का काम होता है, और फ्रंट वॉरियर के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको भी साथ ले चलेंगे, चलो भाई पहले तो आगे हम होंगे ना भाई, क्योंकि आप अगर डॉक्टर बनेंगे तो हम अपने
अपने आप को गौरवान्वित करेंगे, प्रेस्टीज हमको मिलेगा, ये जो शिक्षक पढ़ाए थे, ये संस्था के शिक्षक पढ़ाए थे, मेरा बेटा मेरी बेटी नीट क्वालिफाई कर ली, यहाँ एडमिशन हुआ पीएमसीएच में, डीएमसीएच में, रांची मेडिकल में, यहाँ मेडिकल में, वहां मेडिकल में एडमिशन हुआ, एक खुशी हमें पहले होगी, क्योंकि सबसे आगे तो हम हैं, आपको रास्ता दिखाने वाले हम हैं। तो परेशानी, आप अगर असफल होंगे इसका मतलब हम असफल हैं, आप सफल हैं तो हम सफल हैं, इसलिए हम अपने आप को कभी भी असफल होने नहीं देंगे, असफल नहीं होने देंगे इस बात, लेकिन जितना कहेंगे उतना करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट, अगर करते हैं उस बात को निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आई विश यू गुड लक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल तक से 3 बजे से प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद सूचना आपको मिलता चल जाएगा, और जो भी पढ़ाए हैं इसको बार बार आप पढ़िएगा, देखिएगा, याद होता चला जाएगा, ठीक है, ओके।